शायद ही हम लोगों ने हिस्ट्री का बुक में पढ़ी थी और सुना भी था। आप लोगों ने सुना होगा शायद पोर्तुगीज के बारे में, लेकिन आप लोगों ने देखा है कौन सी जगह पे वो लोग रहते थे? ये देख सकते हैं जेटी है इस पार, और आपको दिखाएंगे कौन सी जगह पे पोर्तुगीज रहते थे। तो ये एक शहर है जो केंद्र शासित देश है, और दमन फोर्ट है इसका नाम। तो आज आपको दिखाएंगे दमन फोर्ट के बारे में, दिखाएंगे पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। देख सकते हैं ये पीछे का गेट है, इस जगह पे पोर्तुगीज रहते थे। इसमें सारे डिटेल्स लिखा है, कुछ ऐसे कितना साल में तैयार हुआ था वो भी लिखा है। अगर उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, और इस वीडियो को पूरा देख, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप कर देंगे तो एक एक आपको डिटेल्स नहीं मिलेगी। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए अंदर तो मैं आ गया है, वो अभी दिखाएंगे अभी कौन सी क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। ओके, जैसे कि मैंने बताया हम लोग पीछे से एंट्री किया क्योंकि जेटी था, जेटी सामने, जेटी देख के फिर लाइट हाउस देखने के बाद हम लोग एकदम पीछे से एंट्री किया। सामने से भी रास्ता है, चलिए आपको ऊपर जाके दिखाएंगे क्या क्या चीज़ है। नहीं ये बहुत सारा देख सकते, इस साइड का पेड़ है, इसमें बहुत सारा लोग भी रहते थे। अभी चलिए इसके ऊपर चढ़ते हैं, आपको ऐसे ऐसे इतिहास का कुछ ऐसे चीज़ दिखाएंगे, कमल का चीज़ दिखाएंगे आपको। इस वीडियो में बने रहे और देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर, सीढ़िया है और ऊपर से व्यू भी बहुत प्यारा लगेगा देखने में। जब पुराना कोई ऐतिहासिक चीज देखने के लिए मिल जाए तो वाओ, गॉर्जियस लुक है। चलिए आपको बहुत सारे चीज दिखाएंगे, ऐसे ऐसे चीज है जो ऐतिहासिक चीज है। जैसे कि बोला ये केला जो है बहुत पुराना साल है। चलिए एक एक कामन दिखाएंगे, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। ये देखिए कामन, तो मैंने कभी सोचा नहीं था इस टाइप का कामन देखने के लिए मिलेगी मुझे। बुटका बुटका बिमल, जब बिमल है। चलिए और भी दिखाएंगे, लेकिन इसको पूरा घूमने में बहुत टाइम भी लगेगा, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए ये भी दिखाएंगे किस टाइप का कैसे चीज बना है। ये देखिए, देख सकते हैं एकदम छोटा सा, मतलब एक कोई एक इंसान इसके अंदर घुस जाएगा। ओके, तो किस लिए बनाया मुझे पता नहीं है, अगर किसी को पता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। टूटा हुआ कमान है, इसमें गोला गोला भरता था, गोला भर के आग लगाया था, उधर से आग का गोला जाता है। इधर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात अभी भी है, मतलब इसमें कुछ नहीं। गोला रखने के बाद पुर्तगाल में हमारा भारत स्वाधीन होने का बाद 17 साल बाद ये दमन स्वाधीन हुआ। अभी भी इधर पुर्तगाल भी है, आपको दिखाऊंगा। ये देखिए और ये पूरा लोखंड का तैयार है, तो देख सकते हैं कमान भी देखिए और समंदर भी देखिए, एकदम साथ में समंदर देखिए। हाँ। इधर से भी दिख रहा है एकदम जस्ट इसके साथ में है। हाँ, इतना चौड़ा इससे है, इधर से आग लगेगा, सामने से गोला भरेगा, गोला भरने के बाद इधर से आग लगाता, आग इधर विस्फोट होकर चला जाता। ये लखन कितना साल पुराना है मैं भी बोल नहीं सकता हूँ, ये लखन का है, ये लखन में कभी जंग कुछ पकड़ने वाला नहीं है, बहुत सॉलिड है। केला का फीट है 65 फीट ऊपर है, तो चौड़ाई देखिए। चलिए उस साइड में भी है, देखिए बहुत ही बड़ा है, सामने की तरफ और भी है, हम लोग और भी जाएंगे। छोटी सी एकदम पतली सी, इसके अंदर कोई घुस सकता है क्या? तो मैं तो अंदर घुस गया हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो तीनों साइड से देखते हैं कि जैसे कुछ है। एक इसलिए बनाया है क्योंकि अभी देखिए समुंदर से कोई अटक करता था, वो लोग इधर आके तुरंत ऐसे देखने के लिए ऐसे बनाए। तो देखिए इधर एक साइड है, एक साइड है खिड़की टाइप का बनाया, तो इसीलिए बनाया।
क्या आपको पता है इसका कौन निर्माण किया था, कितने साल में निर्माण हुआ था और इसका जो एरिया है कितना मीटर का? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले कि इसको निर्माण किया था पोर्तुगल्स रा और इसका 1559 साल में ये निर्माण हुआ था। एंड इसका जो एरिया है 30,000 वर्ग मीटर एरिया है, मतलब सोच सकते हैं कितना बड़ा एरिया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है, एकदम नज़दीक समंदर के पास में, और पोर्तुगीज समंदर के पास ही में रहते थे। ये भी देख सकते हो, एक सेम चीज है। हमला कर रहा है, हाँ इसको हमला कर रहा है, कौन? मैं करने वाली हूँ अभी। देख सकते हैं ये है समंदर, चलिए पूरा चारों पर साइड में इस टाइप का बनाया गया है। पुर्तुगल का जेल में आता। अभी गेट तो बंद कर दिया, जाना है मुझे। अरे खोलिए खोलिए, जाना है, इसको बंद करके रखा था। सब जेल में कैदी, जेल का कैदी है, बंद है, देखिए खोल रहा है इसका, खोल गया, हीरो आ गया ना, इसके लिए खोल दिया। धरो देखिए, देखने वाला व्यू है, सच में अगर आप लोग इस किला में नहीं आए तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो मैं तो आ गया हूँ इसको देखने के लिए। इसका जो व्यू है वो तो बहुत ही प्यारा सा है, व्यू देख सकते हैं, बाहर का व्यू है, समंदर है, रोड है, ये बाहर का साइड दिख रहा है। तो ये जो जगह है मुझे बहुत पसंद आया, आगे जाके और भी अच्छी अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगी शायद ही। तो ये भी देखने के लिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड इसका जो साइड से थोड़ा सा चल, अच्छे से चल के जाना है, क्योंकि इस साइड उस साइड से गिर भी सकते हैं, तो ध्यान से जाना पड़ेगा मुझे। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, जैसे कि इस जगह को मुझे बहुत ही पसंद आया है, अमेजिंग लुक है, और वीडियो शूट करने में भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि इसमें फ़ोटो भी बहुत प्यारा सा फ़ोटो आते हैं, और ये जो है सेल्फी के लिए तो बहुत ही अच्छे एक जगह है, क्योंकि आप इस साइड में अगर आपको फ़ोन भी ख़राब हुआ, कैमरा अच्छा है, फिर भी आपको इस जगह पे फ़ोटो अच्छे आ रहे हैं। तो गॉर्जियस जगह है, हमारी कोई तो अच्छी जगह है, तो शायद इसीलिए इतना सुंदर है, देख सकते हैं। लकड़ी का ब्रिज है, देखिए ये लकड़ी का ब्रिज है। पुराना चीज़ अच्छे होता है, तो आज शायद मालूम पड़ गया है जिन लोगों को पता नहीं था, जो बहुत लोग क्या करते हैं पुराना जो चीज़ है फेंक देते हैं, लेकिन जो फेंकने वाला चीज़ है वो फेंक किए, और सही में पुराना चीज़ और ऐतिहासिक चीज़ बहुत ही प्यारा होता है। तो आप लोग बताएं आप लोगों का कैसा लग रहा है इस पोर्तुगीज एंड पोर्तुगल्स केला, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया है, क्योंकि बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। पता नहीं कौन सा चीज़ है, लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, और देखते हैं इसमें शायद पत्थर से बनाया गया है, लेकिन बहुत ही बड़ा है, ये छोटा नहीं, बहुत इसके अंदर कुछ दिख रहा है, चलिए देखते हैं क्या दिखाई देते हैं। तो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर पेड़ भी हो चुका है, तो अभी देखते हैं इससे क्या दिखाई देता है।
ओह माय गॉड, तो सो इधर से उस पर दिख रहा है इधर, तो अभी पता चल गया है। तो इधर से उतना तक देखने के लिए, शायद इधर छुपने के लिए भी हो सकता है, लेकिन नीचे भी जितना तक है ऊपर भी। और ये रास्ता देखिए अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत बाकी है, तो मुझे चला नहीं जा रहा है। तो अभी पता नहीं कि कौन से पेड़ है, तो काफ़ी सारा पेड़ इस टाइप का पेड़ दिख रहा है। ये भी अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा पेड़ है। तो मुझे भी पता है, मैं लास्ट में बताऊंगी कौन सा पेड़ है। ये इस पेड़ का बहुत सारा ऐसे पेड़ है, और देखते हैं कुछ मिल रहा है इधर क्या है। देख सकते हैं एक लेटेस्ट चीज़ है जो इस पेड़ को, देखिए गौर से देखिए इस पेड़ को, तो एक ही इस जगह पे बहुत सारा ऐसे पेड़ है, और इस पेड़ के अंदर फल भी है, तो फल भी आपको दिखाएंगे। इसका नाम है पाम, तो शायद ही समुद्रिक पाम होंगे, तो खाया भी जाते हैं। मैंने बाद में गूगल में सर्च किया तो पता चला एक खाया भी जाते हैं, विदेश में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडिया में मैं बहुत ही कम देखा हूँ। और जहाँ पे होता है समंदर के पास में ही होता है, तो शायद इन पुर्तगाल ले ये सब खाते थे। ये बन्ना ताल बोलता है, समुद्रिक ताल बोलता है। देखिए मुझे क्या मिला है, जो पेड़ दिख रहा है इसी का फल है। ये देखिए हे गाइस, तो देख सकते हैं मुझे क्या मिला है। जो ये पेड़ दिखा है बहुत बड़ा सा पेड़, वो देखिए पीछे वाला ये है पेड़, ये इसका फल है। हरी बात, ये भी सेंट तो जी नीचे तो बीच ये भी लग जाए। ये ताल है, ताल ताल देखिए चीज क्या चीज है, लेकिन इधर से उतारना है थोड़ी सी सावधानी से, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है। और ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देख सकते हैं लकड़ी का है इधर। सन लाइट पर है, ये देखिए सन लाइट। तो चलिए पीछे वाला गेट है, कोई इधर से भी घुसते हैं उधर से भी, मतलब दोनों साइड से आप लोग घुस सकते हैं। देखिए क्या चीज है, अच्छा ये जो शीशा है, मतलब एक साइड से दूसरा साइड दिखेगी। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, पीछे वाला एक गेट है, सामने वाला एक गेट है, मतलब दोनों साइड में गेट है, और काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए दोनों साइड से ए पड़ता है माती दामन ये रास्ता है, और पीछे वाला जो जिसमें से हम लोग घुसे थे वो है नानी दामन के अंदर और पड़ते हैं। तो फोर्ट तो एक ही फोर्ट है, मतलब किला एक ही है, बस नाम माती दामन किला बोलते हैं और नानी दामन किला भी बोला जाते हैं। और ये पूरा मेन रोड है जहाँ से हम लोग फिर वापस जाएंगे। आपको ये किला कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं, और जो लोग अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज इतना तक ही काफ़ी है। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ। सो जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड है नानी दामन, मोती दामन और लाइट हाउस, इसमें से आप लोग कहीं भी जगह जा सकते हैं। ये हो गया मेन रोड, तो डिटेल्स आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। अगर इनमें से कहीं जाना है तीनों जगह से, बट स्टेशन जाना है दामन स्टेशन, तो आप जा सकते हैं। इधर ऑटो अवेलेबल मिलते हैं, ऑटो है तो पूछ लेना एक बार, और ट्रैफिक पुलिस भी रहता है तो उस लोगों के साथ भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो बाय बाय गाइस, आप लोग अच्छे रहे, सुस्त रहे, और वीडियो को कंटिन्यू देखिए।